लोगों के कपड़े सियो के अपना पेट पाल रही इस जनानी का नाम नीतू अरोड़ा है। नीतू अरोड़ा के विआह होए नू 22 साल हो गए। इस औरत मुताबक उसकी जिंदगी विआह तो 20 साल तक तो ठीक ठाक चलती रही, पर अचानक एक दिन उन्होंने घर एक तांत्रिक बाबे की एंट्री होंगी है तो उसका सारा परिवार उस काले इलम वाले तांत्रिक बाबे के धक्के चढ़ जाता है। पर नीतू ने उस बाबे का पर्दाफाश करना शुरू कर दिता कि किवें बाबा लोगों को अपने चुंगल च फसा के पैसे का खेड खेडद। उसने गल अपने सहुरे परिवार के कुछ मैंबर जो सांझी करनी शुरू की तो उल्टा सहुरा परिवार नीतू के खिलाफ हो गया और नीतू प्रति सहुरा परिवार का सारा व्यवहार ही बदल गया। नीतू मुताबक तांत्रिक बाबे ने अपन गलों लैके सारे परिवार को उसके खिलाफ ही भड़का दिता और सहुरा परिवार नीतू को बंदी बना के उसकी कुटमार तक करता रहा, जिस बाबो तो सारी कहानी अपनी डायरी च लगातार लिखती रही और कुछ राहत मानसिक तौर पर महसूस कर दी। सहुरा परिवार वालों नीतू मुताबक उसके अनेक पाबंदियां लगाई जा, जिस तो दुखी हो के वह अपना सहुरा परिवार छड़ ते पुलिस ने उस नाल हुई वधीकी नूं देख सहुरा परिवार उत्ते परचा भी दर्ज किया, पर अचानक उसकी दराणी वालों घर अजिहा काम कर लिया जाता है कि पुलिस नीतू जो कि 8 महीनों तो सहुरा परिवार तो अड रह रही सी उस उत्ते परचा दर्ज कर देंदी है। बाकी की कहानी तुसी नीतू की जुबानी सुनो, किवें एक बाबे ने उसकी हसदी वसदी जिंदगी उजाड़ के रख दिती। मेरे ते एक झूठा परचा दर्ज होया है जिथे जिस दे विच मेरा कोई हाथ नहीं है, पर मेरे ते इन्होंने पुट्ठा परचा दर्ज कर दिता है, क्योंकि असी इन्हां जदों मैनू ये छुड़वा के लैके आए इस परिवार तो मैं इन्हां दे उत्ते इन्हां दे जुल्मां तो तंग आके इन्हां दे परचा दर्ज कराया सीगा। इस विआह च इन्हां ने मेरे ते झूठा परचा दर्ज किया। ये किसी बाबे दे चक्कर विच पै के मेरे ते दिन रात जुल्म करदे सी, मारदे कुटदे सी, ते मैनू एक साल पूरा बंदी बना के रखे होया सीगा इन्हां ने घर च। मेरा विआह January 2000 च होया ते मैं वापस आई हाँ 6 अक्टूबर 2021 च। पूरे 20 साल बहुत वधिया रहे ने, जदों ये किसी बाबे दे कोल जाना शुरू किया है उदों उन्होंने इन्हां दी बुद्धि खराब की है तो घर नूं पूरा बर्बाद कर दिता है। हाँ जी, मेरे वालों भी मामले जब कराए गए हैं क्योंकि इन्होंने मेरे नाल बहुत, क्योंकि इन्होंने मैनूं धमकियां ही इन्नियां कु ज़्यादा दे दित्तियां सीगियां कि मैंने मजबूरी वश बाहर आ के मामले दर्ज करवाने पे। ते तुहाडे बच्चे भी हैगे आ जी? हाँ जी, मेरे 2 बेटे आ। ओह कित्थे आ जी? एक मेरा बेटा बाहर आस्ट्रेलिया सैट है, एक अपने पापा कोल है। डेथ हो चुकी है ना। ते तुसी हुण मंग की करदे हो ते तुहाडे वल्लों की होर जिहड़ा है पुलिस थाने दे विच की होर रिपोर्टां तुहाडे वल्लों दर्ज कराईआं गईआं ने जिहड़ियां? मेरे वालों तो बस उदों ही मामले दर्ज कराए गए कि इन्हां उत्ते कार्रवाई की जाए, जिहड़ा इन्हां नूं एक साल पूरा कुटमार की है, बंदी बना के रखी है। यही सारे 6 मैंबर उपर परचा दर्ज करवाया गया सी। ये सारी जिहड़ी तफतीश ये पुलिस प्रशासन करे, पूरी बरीकी नाल जांच करे, क्योंकि वह भी एक मापियां दी धी है, उन्हें तो पता नहीं की इन्हां ने जुल्म किए जिहड़ा उन्हें इन्ना वड्डा कदम चुक्या है। जेकर मैनू भी इस परचे चो इंसाफ ना मिलिया तो मैं भी ये चीज़ सोच के रखी है कि मैं अपनी थाना सिटी के सामने जाके तो जेड़े मैनू तंग परेशान कर रहे हैं तो मैंने झूठे परचे च फसा रहे हैं तो मैं उन्होंने नाम लैके लाइव वीडियो पा के तो मैं भी थाना सिटी के सामने। हाँ जी, मैं पूरी हर रोज़ एक एक दिन की चिट्ठिया लिखिया हुई हैं। ये चिट्ठिया अंत में हार के जो जुल्मों की पूरी तरह हद हो गई तो मैं सारिया चिट्ठिया अपने भरावान तक पहुँचाई। उधर पूरे मामले नूं लैके हुण सिख जथेबंदियां दे आगू नीतू अरोड़ा दे पक्ष च आ नितरियां ने अते इंसाफ दिवाउण दी गल कर रहियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मामला एक इत्थे हिंदू परिवार की लड़की, अज तो मैं 8 महीने पहलों को मैनू लिखती शिकायत मिली सी परिवार की, तो मैं पुलिस प्रशासन SSP नूं मिल के और SP प्रेशन नाल DSP सिटी नाल लेडी इंस्पैक्टर ड्यूटी ला के इहनूं घर चों छुड़ा के इहदा चैकअप कराया हस्पताल च, तो उन्होंने दोषियों खिलाफ़ परचा दर्ज कराया सारियां दे। फिर हुण एक जिहड़ी गल हुई है भी पिछले दिन मैनूं पता लगा, फोन आया परिवार का भी कहिंदे उन्होंने साढ़े 306 का परचा दर्ज कराता है, जो कि वो केस नूं 8 महीने हो गए, परचा दर्ज है उन्होंने तो 6 महीने हो गए उन्हें इनकुआरी कंप्लीट हुई नूं, पर हजे तक उन्हां दा चलान टूकोट नहीं किया। पहला कड़ा परचा दर्ज कराया सी 498 का। फिर प्रशासन की इन्नी यानी ढेला, तो असीं अज फिरोजपुर के सिविल प्रशासन तो पुलिस प्रशासन तो पंजाब सरकार तो मैं इस चीज़ की मांग करदा इस परिवार को पूरी तरह इंसाफ मिले। लड़की कड़ी अज खून के अथरू रो रही आ, पहले तो 1 साल आपके सहुरे परिवार ने शिद्दत किया, घर कुटमार कराई, खाद्या भुखी तरह अंदर दिन कट्टे कि दस रही तुम्हें दस्या है,
फिर इन्हें बेचारी ने 300 को चिट्ठिया लिख के बहर भेजिया तो असी कार्रवाई करा के बहर लिया पर चलान ना टूकट होने दे एक झूठी कहानी बना के तो 306 का परचा दर्ज करता है। इनू पता भी नहीं बेचारी अपने पेके परिवार के घर रह के कपड़े सी के गुजारा कर रही थी। पर हुण मैं प्रशासन तो यही मांग करदा जे तो असली दोषी ने किन्हां ने वो लड़की उन्होंने कार्रवाई की जाए जो ना की तो सारे पंजाब के जथेबंदियां मेरे नाल एक नूर खालसा फौज इंटरनेशनल पंथक दल सिख स्टूडेंट फैडरेशन महिता होर सिख जथेबंदियां नुमाइंदे बैठे ने सारे इवें पंजाब दियां जिन्हां भी सिख जथेबंदियां ने समाज सेवी जथेबंदियां ने जिहड़ियां समाज का काम करदियां ने समाज के भलाई उन्होंने अपील करांगा जिस दिन फिरोजपुर शहर च काल देंगा सारे अपना साथ दे के इस कि मजबूर लड़की का आप सारे ने पाई इनका दुखियारी का आप साथ देना है तो इन्हू इंसाफ दवाना है। बिल्कुल मिलिया सी एस एच नूं उस दिन मिलिया जाके मेरे नाल होर भी कोई आदमी गए सी फिर कहिंदा उन्हें पहलों कहा भी कहिंदा भी इन्हें ना खून तो गल की कोई लंबा चिर बाद में कहिंदे घरे गई है उस तों बाद च कदों एफ आई आर दर्ज हुई ना तो घर का जिक्र आया तो ना ही वो फोन का जिक्र आया है। बाद च एस एस पी फिरोजपुर ने मिल के एक इनकुआरी भी दी है जो कि डी एस पी सिटी विरक को आ चुकी आ फिर उन सारे प्रशासन को कहेंगे इन्होंने बनती कानूनी इनकुआरी करके उस परिवार से कभी बनती कार्रवाई की जी कि झूठे केस दोबारा फसाने की कोशिश की आ नहीं सू मजबूर ने वाला संघर्ष बढ़ना पेगा फिरोजपुर से जी। सो हम देखने वाली गल रहेगी कि पूरे मामले च पुलिस कि कार्रवाई को अंजाम देती है। हकीकत टीवी पंजाबी लई फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह दी रिपोर्ट। मर्दाना कमजोरी दूर करने विच माहिर वैद सुरेंद्र कुमार 73472 8808। कदों तक गुप्त रोकां नूं छुपांदे रहोगे हुण जीवन साथी सामने शर्मिंदा नहीं होवोगे शादीशुदा जीवन दा आनंद माणो मर्दाना कमजोरी ना मर्दी नसां दा ढिल्लापन तांत सिगर पतन नील सकराणुआं दा जड़ तो खात्मा बचपन दीआं गलतियां या शुगर जां वधदी उमर दे कारण आई सैक्स कमजोरी साडी दवाई 100% शुद्ध आयुर्वैदिक है इसदा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है देश विदेश दे विच दवाई भेजण दा खास प्रबंध डिप्रैशन तो हुण पाओ छुटकारा पता नोट करो साहिल आयुर्वेदिक हेल्थ केयर 100 फुटी रोड अमृतसर पंजाब हुणे कॉल करो 73472 8808।